यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे हैं, तुम बोले हैं जी एटे हो। तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा, तो भाई यार आपको तो पता होगा कि यहाँ पर मैंने बलास के बॉस का डी एंड कर दिया है। अब यार ये जो नमूना था ना, ये इतना ज्यादा तेज बन रहा था, इसने फ्रैंकलिन को यहाँ पर किडनैप करके और मारने की कोशिश करी। और ये देखो यहाँ पर भाई कुछ बलास के बंद होगी और साथ के साथ बलास गैंग का जो बॉस है उसकी बॉडी रखी हुई है। बाकी मेरी जो बुकाटी है वो भाई पानी के अंदर डूब चुकी है और मेरे को नहीं लग रहा गाइस अब वो ठीक हो भी पाएगी, क्योंकि भाई वो पूरी ब्लास्ट हो गई थी जैसी भाई मैं उस टाइम हेलीकॉप्टर से टकराया था। अच्छा हुआ यार मैं उस टाइम एम टाइम पर कूद गया, नहीं तो आज माइकल भी ना बचता। और ये देखो इसमें भाई क्रिमिनल का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है। अगर क्रिमिनल ना आता ना तो शायद ही यार यहाँ पर मैं और फ्रैंकलिन बच पाते। क्रिमिनल यार तेरा बहुत ज़्यादा बड़ा वाला थैंक यू। बाकी यहाँ पर अंडर वाटर माफिया और ट्रैवर भी आ चुके हैं, इन दोनों ने भी गाइज अपने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है। और वहाँ पर वो रहा फ्रैंकलिन, पूरा ठीक हो चुका है लेकिन इसकी एक टांग में फ्रैक्चर आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी भाई थोड़े बहुत दिनों में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर लोग इसको अपना देखने में लग रहे हैं और अभी मैं सीधा जाने वाला हूँ फ्रैंकलिन को लेकर के इसके घर पर। भाई छुट्टी विट्टी कर रहे हो नहीं कर रहे इसकी? चलो यार चलने का टाइम आ चुका। और फ्रैंकलिन की हालत देख रहे हो भाई, इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर ने भाई इसको जो है रेस्ट करने के लिए बोला है और यहाँ पर मैंने अंडर वाटर माफिया से बोल दिया है कि भाई अभी फ़िलहाल के लिए मैं तेरी गाड़ी को लेकर के जा रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना। बाकी माफिया भाई बोल रहा है कि कोई नहीं यार माइकल भाई ले जा, तेरी गाड़ी है। चलो यार चलते हैं सीधा। और ओ पुलिस वाले भैया जी साइड तो हो जाओ यार, इसके घर पर छोड़ते हैं इसको। और भाई आज जो है मेरे को और भी कुछ काम करने हैं। सबसे पहले यार मेरे को जो है थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई माइकल 2 दिनों से सोया भी नहीं है यार। ये बलास गैंग के बॉस के चक्कर में जो है ना जिंदगी एकदम खराब हो चुकी थी। अच्छा भाई यहाँ पर जो ना हमने इसका दी एंडी कार्ड डाला है। तुम्हारा भाई जी वैगन को लेकर के पहुंचने वाला है सीधा फ्रैंकलिन के घर पर, वो भी नए वाले। यहाँ पर गाइज इसकी वाइफ रहती है और साथ के साथ उसका फादर। और बाकी चलो यार यहाँ से एक लेफ्ट की तरफ टर्न और मैं आ चुका हूँ। ओ भाई साहब यहाँ पर सिक्योरिटी हमेशा इतनी टाइट रहती है ना, बस मैं क्या ही बताऊँ। चलो ओ भाई ये क्या टूट गया यार, भाई गाड़ी का कुछ टूट गया क्या? ये बड़ी सस्ती सी गाड़ी यार, हल्के से टक्कर लगती टूट गई। चलो कोई नहीं अपन लोग चलते हैं सीधा घर के अंदर। अबे यार मेरे को रिपेयर करा के देनी पड़ेगी भाई अंडर वाटर माफिया को। चल ठीक है भाई फ्रैंकलिन तू अपना आराम कर ले, और हाँ कहीं जो है ना बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तेरी वैसी हालत खराब है। क्या पता भाई तू ये यार नमूना जो है ना किसी काम में उलझता रहता फालतू में। बाकी मैं आपको जो है ना इसका घर का एक टूर करा देता हूँ। बाकी टूर में मैं क्यों करा रहा हूँ भाई, टूर इसका घर है, ये खुद कराना चाहिए इसको। ये रही गाइस इसकी वाइफ और ये अपना चाय बनाने में लग रही है। मैडम जी मेरे को चाय वाय नहीं पीनी, चाय भाई फ्रैंकलिन को पिलाओ यार, ये चाय का बड़ा शौकीन है। चलो यार मैं चलता हूँ अपना सीधा अपने शोरूम के अंदर, क्योंकि भाई मेरे को और भी काम संभालने हैं। सबसे पहले मैं सोच रहा था गाइस क्यों ना यार अपने घर पर जाकर के थोड़ा आराम किया जाए, लेकिन माइकल की लाइफ में कहाँ ही यार आराम देखने को मिलने वाला है। बाकी चलो यार यहाँ से चलते हैं। और इसकी सिक्योरिटी यार हमेशा इतनी टाइट रहती है ना। और यार ये जो घर है ना पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब प्लेबॉय मैंशन के बाद गाइज यही ऐसा घर है जो बहुत ज़्यादा बड़ा है। चलो यार चलते हैं। और थर्ड नंबर पर आता है वो डाकन बॉस का मैंशन, वो भी काफ़ी बड़ा है। बाकी चलो यार सीधा निकलते हैं गाइज अभी अपने शोरूम के लिए, और वहाँ पर जाकर के देखते हैं गाड़ियाँ सेल हो रही नहीं हो रही हैं, क्योंकि अपने को जो ना पैसा चाहिए यार, पैसे की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज आ चुकी है। भाई एक भी गाड़ी इंपोर्ट नहीं करा सकते, क्योंकि मैंने सारा का सारा जो पैसा है वो अपने घर पर लगा दिया है। चलो यार गाड़ी को लेकर के फिलहाल के लिए मैं पहुंचने वाला हूं, और भाई गाड़ी का टायर फट जाएगा फालतू में, क्या भाई मैं मजे लेने में लग रहा हूं गाड़ी के साथ। बाकी गाड़ी काफी तगड़ी है। अरे भाई अरे तेरी ऐसी कम तैसी, अरे भाई ये बेटा ये बंदा है किसका भाई, चला जा बेटा यहाँ से, खोपड़ी जो है ना खुजा दूं तेरी, ये ऐसे नहीं मानने वाला। उतरी 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 हो, अंगुली अंगुली किसको दिखा रहा है भाई, अंगुली किसको दिखा रहा है बेटा, अंगुली जो तोड़ताड़ दूं फालतू में तेरी। एक सेकंड इधर 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 बेटा, बीच रोड में मरेगा इधर। एक सेकंड, सबसे पहले जो है मैं अपनी गाड़ी को लगाता हूँ साइड में, ये ज्यादा चौड़ा हो रहा है बेटा, रुक जा अबे गाड़ी लगाने दे। अरे भाई यार ये भाई कल के आए हुए लोंडे हमको सिखा रहे हैं। अच्छा बलास का है क्या, एक लात का दम नहीं है, बड़ाया 32 ही निकाल दिया यार मैंने इसकी फालतू में। एक तो भाई खुद गाड़ी को ला करके, मतलब गाड़ी क्या इनकी औकात नहीं है गाड़ी चलाने की, भाई बाइक को ला करके ठोक रहा है गाड़ी में, ऊपर से चौड़ा और हो रहा है। जानता वानता नहीं है क्या माइकल, बदमाश है भाई यहाँ का, अपना सामने की तरफ शोरूम है इसको पता नहीं है। और ये कूड़ा काड़ा कहाँ से आ गया यार यहाँ पर। कोई नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मेरे को लग रहा है यहाँ पर जो है क्लीनिंग सर्विस बुलवा करके ये सारा का सारा क्लीन करवाना पड़ेगा। और लो
ये क्या सन्नाटा छा रहा है भाई अपने शोरूम के अंदर। एक टाइम पर अपना जो शोरूम है वो इतना ज्यादा चलता था, और यहाँ पर फिलहाल के लिए बस एक गाड़ी खड़ी हुई है। अबे क्या लोचा वोचा मचा रखा है ये बैनी, शोरूम बेच तो नहीं दिया ना तूने अपना? मेरे को लग रहा है भाई कि बैनी के जो हालात है ना कुछ गड़बड़ा रहे हैं। चलो यार यहाँ की जो है ना इन लड़कियों से बात करते हैं, ये रिसेप्शन वाली लड़की है, इनको हर एक बारे हर चीज के बारे में पता रहता है। तो यार ये जो रिसेप्शन वाली लड़की है ये मेरे से बोल रही है कि सर यहाँ पर जितने भी गाड़ियां थी ना वो सारी बिक चुकी हैं, और ये जो गाड़ी है ना ये जो इकलौती बच रही है ये भी 2010 का मॉडल है। तो क्यों भाई कोई बंदा 2010 का मॉडल खरीदेगा? बात तो ये सही कह रही है, इसलिए भाई अपने शोरूम में 2 हफ्ते से कोई बंदा नहीं आया है। 2 हफ्ते से भाई अपना शोरूम ठप पड़ा हुआ है यार। ये बैनी मेरे से मरने वाला है यार। बैनी अगर तेरे को काम नहीं करना तो भाई अपना खुद का शोरूम खोल ले या कुछ खरीद ले यार, मैं किसी और बंदे को हायर करने वाला हूँ सही में। बैनी यार सही, बैनी अपने काम का नहीं रहा मेरे को लग रहा है। मेरे को कुछ ना कुछ गाइस यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और सबसे पहले अभी जो है मैं बैनी के पास कॉल करता हूँ और पूछ लेता हूँ कि भाई यहाँ पर ये चल क्या रहा है यार। बाकी वो गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है ना रेड वाली। गाइस ये जो गाड़ी है तो इधर ही आ रही है, अपने शोरूम में तो नहीं आ रही ना। यार मैं तो इस गाड़ी की तारीफ ही कर रहा था, लेकिन ये गाड़ी तो भाई अपने शोरूम के आगे आ गई, और साथ में इसके अंदर बैनी बैठा हुआ था। और ये नमूना कौन है भाई? बैनी किस किस को लेकर आ गया? मेरे को लग रहा है गाड़ियाँ खरीदने के लिए आए होंगे, लेकिन बैनी अपने शोरूम में तो भाई एक ही गाड़ी खड़ी हुई है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड मॉडल। इसकी गाड़ी भाई कितनी मस्त लग रही है ना भाई, फरारी का एसयूवी मॉडल है भाई। मैंने फरारी एसयूवी काफ़ी कम देखी है, लेकिन काफ़ी प्यारा कलर भी है। बैनी क्या बात होगी? देखो यार सीन ये है कि ये जो नमूना है ना जो कॉफ़ी मार रहा है, ये मेरे से बोल रहा है कि अभी क्या अभी मैं तेरा शोरूम को खरीदना चाहता हूँ, बस तू पैसे बता कितने चाहिए। बैनी यार ये सब चीज़ क्या है भाई? मैंने तेरे से कितनी बार मना कर दिया कि भाई अपने शोरूम को हमको नहीं बेचना है। एक तो भाई एक ही अपना शोरूम है, वो भी भाई इतनी बढ़िया रोड पर है, चलती हुई रोड पर। और भाई अगर मैं बता रहा हूँ, अगर मैं अभी भी गाड़ियाँ लेकर के आ जाता हूँ ना, तुरंत के तुरंत सेल होंगे, तुरंत के तुरंत। और ये नमूना भाई कौन है भाई, तू कहाँ से आ गया है? मरे वरेगा क्या? तो भाई अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर मैंने इस बंदे से ये मना कर दिया कि भाई मैं अपने शोरूम तो तेरे को नहीं बेचने वाला। तो ये बंदा मेरे से बोल रहा है कि माइकल तेरे को एक चीज़ दिखानी है। भाई मेरे को अपना शोरूम बेचना ही नहीं है, तो क्या चीज़ दिखाना चाहता है भाई? और अपने फरारी को लेकर चमका रहा है क्या? बैनी नौकर वोकर है क्या भाई? तो उसको जो गाड़ी चला रहा है इसकी, इसको खुद चलाने दे भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी फिलहाल के लिए ये बंदा हमको लेकर के जा रहा है एक अलग ही जगह पर। बोल रहा है, ये बोल रहा है कि माइकल मैं तेरे सामने एक ऑफर रखता हूँ और तू उसको एक्सेप्ट करने वाला है। अच्छा बेटा तेरे को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है क्या कि मैं एक्सेप्ट करूँगा? अबे जा बे जा, मैं तेरा ऑफर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। अबे यार बैनी फालतू का टाइम नहीं है, मैं तेरे से ये पूछने के लिए आया था कि गाड़ी इंपोर्ट कहाँ से कराएं। और ये बंदा हमको अपने साथ लेकर के जा रहा है, गाड़ी काफ़ी बढ़िया लग रही है ना गाइज। तो भाई अभी फिलहाल के लिए जो बैनी है वो भाई इसी बंदे की बताई हुई जगह पर पहुँच चुका है। अब यार मैं बताऊँ, मेरा भाई फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। और लो ये क्या सीन है भाई, कौन सी फैक्ट्री के अंदर लेकर आ गया भाई? किस फैक्ट्री के अंदर झाड़ू पोछे लगा रहा है ये बंदा? अबे भाई बैनी, चलो कोई नहीं, बैनी कहाँ भाड़ रहा भाई? अबे बैनी से गाड़ी नहीं चढ़ रही भाई ऊपर की तरफ। एक तो यहाँ पे इतनी फिसलन हो रही है ना भाई, एक तो भाई यहाँ पर जो ना मेरे को लग रहा है भाई बारिश वारिश हुई है। चलो अबे फरारी का दम निकल गया, अरे तेरी ऐसी कम तेजी। अबे बैनी रहने दे रहने रहने दे, गाड़ी वाड़ी मत चढ़ा, यहीं पर उतार दे। चलो भाई एक तो इतना धुआं निकल चुका है ना भाई गाड़ी के अंदर। तो यार अभी फिलहाल के लिए ये बंदा बोल रहा है मेरे से कि माइकल अंदर की तरफ आ, तेरे को एक चीज़ दिखानी है। चलो भाई मैं तब से देखना ही चाहता हूँ कि तू क्या दिखाना क्या चाहता है। ओ माय गॉड यार, इतनी सारी फरारी की गाड़ियाँ। ओ भाई सीन क्या चल रहा है, क्या पोछा वोछा लगाते क्या यहाँ पर? ये नौकर वोकर है, तू है कौन सबसे पहले ये बता मेरे को भाई। यहाँ तो गाड़ियों की असेंबलिंग होती है और बनती भी है यार, सारी की सारी गाड़ियाँ फरारी की हैं। ये देख रहे हो गाइस, कोई नॉर्मल फरारी नहीं है भाई, ये तो ओरिजिनल है। मेरे को लगा नकली वकली है, और हर एक जो गाड़ी है ना वो काफ़ी यूनिक है। और आपको पता है जो फरारी वो तो लाल में ही भाई अलग ही चमकती है। और ये तो भाई इसके ऊपर क्या अलग रखा है भाई, काफ़ी तगड़ी तगड़ी गाड़ी है। ओए नमूने, अबे जा कहाँ रहा है इधर? भाई बता भाई तू है कौन? तो यार ये बंदा मेरे से बोल रहा है कि देख माइकल, ये पूरी फैक्ट्री है ना ये इसी की है, और ये कोई एक फैक्ट्री नहीं है, इसके जो बराबर वाली फैक्ट्री है वो भी भाई इसी की है, और इसमें भाई असेंबलिंग होती है वो भी फरारीज की। अनलिमिटेड फरारी भाई, अनलिमिटेड, जितनी मर्जी उतनी बनवा सकते हैं। लेकिन गाइस इसके लिए मटेरियल भी चाहिए होता है। और हाँ ये बंदा बोल रहा है कि महीने में
ये 3,000 फरारीज को सेल करते हैं। अब इतनी प्रोडक्शन कर भी लेते हो भाई तुम, 3,000 भाई मेरे को तो झूठ लग रहा है, लेकिन झूठ बोलूँ क्या, गाड़ियाँ भाई इसकी इतनी खतरनाक लग रही हैं। और ये बंदे लोग ये और ये नमूना बोल रहा था कि यहाँ पर कम से कम 10,000 वर्कर्स काम करते हैं। 10,000 भाई कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं ये वाली गाड़ी को जो है ना एक बार चला करके देखना चाहता हूँ कि कहीं असली वसली तो है ना वे भैया, पोछा वोछा बाद में लगाना, गाड़ी गाइस चेक करनी पड़ेगी भाई। मजाक वजाक तो नहीं कर रहा ना मेरे से भाई, गाड़ी पूरी असली है। मेरे को लगा भाई क्लोन वो नकली नहीं बना देते, मेरे को लगा वो है। लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्यारी गाड़ी लग रही है। और बताऊँ यार ये क्या बोल रहा है मेरे से, ये बोल रहा है कि देख माइकल तेरे लिए एक ऑफर है, तेरा शोरूम मैं अभी का अभी $1 बिलियन में खरीद सकता हूँ, बता डील एक्सेप्ट है। गाइस क्या करूँ, $1 बिलियन भाई बहुत ज़्यादा होता है, इतना होता है कि भाई मैं जो है ना 2-3 शोरूम खोल सकता हूँ भाई। मतलब उसके जैसे तो नहीं, क्योंकि वो लोकेशन काफ़ी प्राइम है। यार इस बंदे ने मेरे सामने एक ऑफर रखा है और ऑफर बहुत ज़्यादा रिस्की है। गाइस मैं आपको बताता हूँ, ये बंदा मेरे से बोल रहा है कि मैं कल देख तेरे और मेरे बीच में एक रेस होगी, अगर तू उस रेस में जीत जाता या मैं अगर उस रेस में जीत जाता हूँ तो ये मेरा शोरूम ले लेगा। और ये मेरे से बोल रहा है कि माइकल टेंशन ना ले, तू गरीब नहीं मरेगा, तेरे को मैं थोड़ा बहुत पैसा भी दे दूंगा। अच्छा बेटा तेरे को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि तू जीत जाएगा? और अगर गाइस यहाँ पर माइकल जीतता है तो माइकल को ये पूरी फैक्ट्री मिलने वाली है, और साथ के साथ इसकी बगल वाली फैक्ट्री। भाई एक सेकंड रुक, मेरे को जो है तेरी बगल वाली फैक्ट्री भी देख करके आनी है। अबे शटर ओपन करो, अबे नकली से शटर है, इसको चेंज कराना पड़ेगा, वो तो मैं बाद में भाई मैं बाद में क्या भाई, मैंने पहले डिसीजन ले लिया क्या कि मैं जीतने वाला हूँ। और ये देखो भाई, ये भी इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री है। अरे चलो चलो खोलो इसको। ओ भाई साहब, यहाँ पर भी गाइस फरारीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है भाई, क्या किया जाए, एक रेस जीतनी है बस इससे। और इसका जो शोरूम है, मतलब ये जो फैक्ट्री है, ये मेरी हो जाएगी। डील काफ़ी बढ़िया है गाइस, मेरे को अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं ही जीतने वाला हूँ। माइकल ने वैसे भी गाइस यहाँ पर पहले काफ़ी रेसेस करी हैं और माइकल जीता भी है, तो क्या किया जाए, थोड़ा रिस्की है मेरे को पता है, अपना शोरूम भी जा सकता है। अगर मैं हार गया, मतलब माइकल हार गया, तो ना तो भाई ये फैक्ट्री मिलेगी और अपना शोरूम भी अपने हाथ से चला जाएगा। तो यार अभी जो बैनी है ना, वो तो साफ मना कर रहा है कि देख माइकल ऐसा रिस्क मत लियो, क्योंकि वो शोरूम जो है ना वो हमारे लिए सब कुछ है। अगर वो हमारे हाथ से चला जाता है तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ना तो पैसा रहेगा हमारे पास और ना ही भाई गाड़ियाँ, ना ही शोरूम। बैनी बोल तो ठीक रहा है, देखो यार रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, और अगर रिस्क है तो ही भाई यहाँ पर कुछ हो पाएगा। बैनी यार मेरा गाइस मैं बताऊँ, अगर मैं जीत जाता हूँ ना तो भाई कभी भी अपने अपने को गाड़ियों की मतलब शॉर्टेज ही नहीं होने वाली है, फरारी अनलिमिटेड हो जाएंगी। भाई देख मेरी बात सुन, मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, बता तेरे को कब हराना है और कहाँ पर हराना है। यार ये बंदा मेरे को कुछ ज़्यादा खुश लग रहा है, ये बोल रहा है कि माइकल मेरी कॉल का वेट करियो, 2 दिन के अंदर अंदर मैं तेरे कॉल करूँगा और मैं बताऊँगा कि रेस कहाँ पर होगी, और तू अपनी मर्जी से कोई भी गाड़ी लेके आ सकता है, दुनिया की कोई भी गाड़ी, कितनी भी सुपर फास्ट हो। इसको अपने आप पे इतना भरोसा है क्या? और बैनी यार यहाँ पर परेशान हो रहा है, बैनी बोल रहा है कि माइकल तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब बैनी तू जानता वानता नहीं है कि माइकल को, यार तू इतने दिनों से साथ रह रहा है, ये बच्चों वाली तरह हरकतें मत कर मेरे सामने। और ये जो फरारी का मालिक है ना, इसने भाई मेरे को अपनी गाड़ी भी दे दी है कि माइकल तूने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया है, इसलिए भाई तू मेरी SUV ले सकता है। भाई इसने झटके से मेरे को ये वाली गाड़ी दे दी, चलो कोई नहीं, अपने लिए फ़ायदा है बेटा, कुछ ही दिनों का मेहमान है तू यहाँ पर, और कुछ दिनों बाद भाई ये पूरी की पूरी दोनों फैक्ट्रियाँ मेरी होने वाली हैं। फरारी का भाई सब यहाँ पर जो ना गोदाम खोल देंगे भाई, लॉस सैंटोस में फरारी फरारी चलती हुई नजर आने वाली है। चलो भाई एक सेकेंड यार, इस गाड़ी को चलाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था, फाइनली ये अपनी हो चुकी है। ओए बैनी जल्दी आ, बैनी तेरे से जितना बोल रहा हूँ ना उतना कर ले यार तू, यार मेरे को पता है तू गुस्सा हो रखा है, लेकिन बैनी एक बार भरोसा कर ले बस मेरे ऊपर, तेरा भाई पक्का जीतेगा। लेकिन बैनी जो है ना यार कुछ ज़्यादा चिढ़ चुका है मेरे से, मतलब माइकल से, पता नहीं क्या सीन है। चलो कोई नहीं बैनी, देख मेरी बात सुन, सबसे पहले तेरे को ये करना है, तेरे को एक गाड़ी को मॉडिफाइड करना है, इतनी तगड़ी बनानी है कि आज से पहले तूने कभी भी ना बनाई हो, समझ गया ना। कम से कम उसको रखिए तो 5-10 हज़ार हॉर्स पावर की, ताकि भाई एक्सेलरेट देते ना इसकी जिंदगी झंड करूँ। ये जो बंदा नहीं जो फरारी का मालिक था, ये अपने आप में इतना चौड़ा हो रहा था ना, पता नहीं इसको किसी बात का घमंड है, एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है, इसका एटीट्यूड ही तोड़ देंगे भाई। तो यार अभी भी जो है ना जो बैनी है वो भाई मेरे को सुनाया जा रहा है और मेरा जो है ना दिमाग ख़राब हो चुका है। बैनी एक सेकंड, बैनी एक काम कर, सबसे पहली बात तू गाड़ी से उतर यार,
उतर 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 यार, बैनी को समझाना पड़ेगा। बैनी मेरी बात सुन, देख अगर हम जीत जाते हैं ना तो तू भी मालदार हो जाएगा और मैं भी मालदार हो जाऊंगा यार। तुझे पता है ना बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस है। बैनी तू ये फरारी को लेकर के जा और मैं एक गाड़ी को लेकर के आता हूँ। बैनी मेरे से ये बोल रहा था कि माइकल गाड़ी का इंतजाम कैसे हो पाएगा। बैनी तू बस बैनी पीछे का गेट लगा लियो। और गाइस एक गाड़ी मेरे को पता है जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन गाड़ी है गाइस, वो गाड़ी मेरे को अभी के अभी चाहिए। चल भाई चलो, ए चूरन मरे वरेगा क्या? निकल 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 यहाँ से, फालतू का टाइम नहीं मेरे पास। चलो यार इसी बाइक को लेकर के चलते हैं। और गाइस अभी जो ना मेरे को एक पावरफुल गाड़ी की जरूरत है, और वो पावरफुल गाड़ी अपने एक प्यारे दोस्त के पास है। और वो जो दोस्त है वो अभी क्या पता भाई फिलहाल के लिए अपने घर पर भी हो सकता है। बैनी यार गेट लगा लेता, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बैनी अपना लेकर के चला जाएगा। और मैं चलता हूँ सीधा भी लेस्टर के घर पर। तो यार आपको पता होगा कि जो लेस्टर है ना, इसके पास एक डेविल 16 नाम की कार है जो कि काफी बेहतरीन है और काफी सुपर फास्ट भी है। अगर मैं उसको चुरा करके बैनी को देता हूँ तो बैनी जो है ना उसको इतना तगड़ा बना देगा, मेरे को पक्का पता है। बाकी फिलहाल के लिए बाइक को यहाँ पर लगाते हैं। लेस्टर का जो घर है ना वो ऊपर की तरफ ही है। और भाई लेस्टर ने अगर ये इसको इसको ये पता चल गया ना कि यार ये मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, अब आप लोग ये बोलोगे कि भाई गाड़ी चुरा क्यों रहा है, जैसे जाकर लेस्टर से ले लेना। भाई लेस्टर इतना ज़्यादा निकम्मा हो चुका है, वो भाई मेरे को गाड़ी नहीं दिखा रहा है ये वाली। पता नहीं गाड़ी हो गई क्या हो गई, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ओबे पूरा भाई यहाँ पर ये पुल ये मिलिट्री वाले क्या कर रहे हैं नमूने? भाई मिलिट्री वाले कब कब में आ गए यहाँ पर? एक सेकंड रुक जाओ यार, ये तो लोचा हो गया, मेरे को तो लगा था यहाँ पर कोई बंदा नहीं होगा। अबे नमूने साइड हो जाना है यहाँ से। अबे भाई पता नहीं क्या है यहाँ पर। एक सेकंड, सबसे पहले चढ़ते हैं ऊपर की तरफ, मैं अंदर तो आ चुका हूँ। गाइज मेरे को जो ना घर के अंदर नहीं जाना, घर के अंदर एक सेकंड, गैरेज के अंदर कोई गाड़ी खड़ी है क्या? गैरेज तो पूरा पूरा खाली पड़ा हुआ है। वो जो डेविल 16 है वो बाहर की तरफ ही खड़ी हुई है, लास्ट टाइम भी भाई यहाँ पर बाहर की तरफ ही थी। चलो यार छोड़ो यार, मैं सबसे पहले इनको भाई जितने बंदे ना इनको मारना पड़ेगा और कोई काम मैं नहीं करने वाला। चलो 3-2-1 एंड निकल यहाँ से। एक बंदा यहाँ पर जा चुका है भाई, एक तो मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया। और यार तेरी बंदे आ चुके हैं गाइस, आ चुके हैं भाई। यार मिलिट्री वाले क्या कर रहे हैं भाई इस घर के बाहर, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। अब जाना नमूने, चलो 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 शकल दिखा दो, सबका खरबूजा तोड़ देता हूँ मैं। ओए नमूने चल भाई चल हटना यहाँ से। अबे मर गए भाई यहाँ पर माइकल को मारने वाले। अबे तड़पा तड़पा क्या वहाँ, शकल दिखा दो बेटा, गेट खोलो सबसे पहले। गेट के अंदर है तो ना कोई? भाई लेस्टर वो यहाँ पर, मेरी हालत खराब होने वाली है। गाड़ी को लेकर के निकलते हैं भाई, एक सेकंड मॉडिफिकेशन बाद में करा लेंगे। अबे गाड़ी, चलो भाई गाड़ी के अंदर यहाँ पर बैठ तो चुका हूँ। ओ भाई साहब मैंने अपने ही दोस्त के घर के अंदर भाई अटैक मार दिया यार। भाई लेस्टर मेरे को माफ कर दियो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेरे को गाड़ी चाहिए थी भाई ये वाली। गाड़ी को मैंने निकाल लिया भाई काफी तेजी में, और भाई गाड़ी काफी फिसल भी रही है। अबे क्या सीन है भाई, इतना पानी कैसे पड़ गया यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम्हारा भाई काफी तेजी में इसको लेकर के निकलने वाला है। अब भाई यार कहाँ लेकर के जा रहा है भाई इस गाड़ी को? भाई सब दिखते ही नहीं है भाई, तो इंडिकेटर ही जला रहे हैं। चलो यार गाड़ी की लुकिंग आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि कैसी लग रही है, एक नंबर है। अभी फिलहाल के लिए इस गाड़ी को लेकर के चलते हैं बैनी के पास। यार इस गाड़ी के अंदर जो है ना कुछ भाई ट्रैकिंग सिस्टम ना लगाओ ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो यार भाई साहब गाड़ी की स्पीड देख रहे हो गाइस, 300 चुटके में पहुंच गई है। और बैनी जो है ना इसको, अरे भाई ओ भाई ये क्या कर दिया भाई मैंने, मैं भाई ये भाई रेस ट्रैक थोड़ी है जो मैं इतनी तेजी में यहाँ पर भगा रहा हूँ। मैंने गाड़ी का चूना चूना मतलब चूरा चूरा कर दिया है। चलो यार गाड़ी को लेकर के मैं आ तो चुका हूँ सीधा अभी बैनी के एक दोस्त से गैरेज के अंदर। बैन ने भाई अपने गैरेज के अंदर नहीं बुलाया, क्योंकि बैनी को खुद पता है भाई कि लेसर की जो गाड़ी है ये कभी भी ट्रैक हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इसको यहाँ पर लगाते हैं। और ये बैनी के दोस्त का गैरेज है, काफ़ी मस्त लग रहा है भाई यार, कितना बढ़िया लग रहा है ना, छोटा है लेकिन काफ़ी ना मस्त है। बाकी चलो यार वो रहा बैनी, इससे बातचीत करते हैं। और इसका जो फ्रेंड है ना ये वाला, ये भी गाइस काफ़ी तगड़ा है, मैकेनिक है। मॉडिफिकेशन के नंबर में भाई ये सारे के साथ जो तीनों है ना एक नंबर काम करते हैं। चलो यार यहाँ पर मैंने बैनी से बोल दिया कि बैन यार ऐसी गाड़ी मॉडिफाइड करनी है कि पहले कभी तूने करी ना हो। बैनी कह रहा कि यार मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। चलो कोई नहीं, बाकी फिलहाल के लिए वो जो येलो वाली गाड़ी है ना उस पर भाई मेरा दिल आ चुका पता नहीं क्यों। ये देखो ना ये वाली का भाई साहब क्या है भाई, ये पूरी रेसिंग कार है। और घर तक जाने के लिए भाई मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। ओ भाई भाई क्या उड़ रही तेरी, और भाई तो धुआं छोड़ रही है भाई, वो भी हरा वाला। भाई सब इसको बाहर की तरफ लेके चलते हैं। गाइस ये गाड़ी नहीं है, कुछ और ही चीज है भाई। एक सेकंड, अरे भाई 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 ये तो भाई पूरी ड्रिफ्ट वाली गाड़ी है यार।
चलो यार इसको चलाने में गाइस यहाँ पर काफी तगड़ा मजा आ रहा है। और एक सेकंड ये कॉल किसकी आ रही है मेरे पास? तो भाई अभी फिलहाल के लेस्टर की मेरे पास कॉल है। लेस्टर बोल रहा है कि माइकल जल्दी से जल्दी इस जगह पर पहुंच। लेस्टर को पता चल गया भाई, लेस्टर भाई मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा भाई, वो जान से मार देगा मेरे को। वो गाड़ी उसके लिए सब कुछ थी। क्या करूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक सेकंड, गन तो मेरे पास है ही। चलो यार अगर कुछ भी सीन होता है भाई मैं बजा डालूँ वहाँ पर। मैं तो भाई भागने वाला हूँ। गाड़ी अपने साथ है पूरी तगड़ी वाली, ड्रिफ्ट वाली गाड़ी है और तेज काफ़ी ज़्यादा है। चलो भाई फिलहाल के लिए गाड़ी को लेकर के मैं आ तो चुका। और ये क्या सीन चल रहा है भाई यहाँ पर? ओ हेलो, एक सेकंड रुक जाओ, लेस्टर गाइस यहाँ पर सामने की तरफ ही है। ये लेस्टर भाई, अबे भाई मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है ना ये? रुको गाइस यहाँ पर टोटे वोटे नहीं है क्या? आके धोनी पड़ेगी मेरे को भाई, ये हकीकत है ना। लेस्टर यहाँ पर चढ़ करके, और स्वेट वाले बंदे भाई इसके नौकर वोकर बन गए। अबे लेस्टर तूने क्या कर दिया जादू इनके ऊपर? तो लेस्टर ये बोल रहा है कि माइकल मैं मिलिट्री कर्नल के इलेक्शन जीत चुका हूँ फाइनली। यार यहाँ पर ये तो जीत चुका है, मेरे को बताऊँ क्या लगा? मेरे को लगा यार ये जो नमूना है ना ये मेरे को मारने के लिए बुला रहा है क्योंकि मैंने इसकी गाड़ी चुरा ली। अभी तक इसको कुछ पता नहीं है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। अपना बिजी बंदा हो चुका है अब यार, इसके पास अब फालतू का टाइम नहीं रहने वाला है। और यार ये पैरेड निकाल रहा है, वो भी लॉस एंडोस के अंदर, इतनी बड़ी पैरेड। और ये देख रहे हो भाई ये जो ये गाड़ी है ना लिमोजिन, प्योर गोल्ड में। लेस्टर के पास तो पैसों की कमी नहीं है भाई अब। अच्छा बार ये कर्नल बन चुका है, इससे जो ना अब हम काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। लेस्टर कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। तो यार लेस्टर ये बोल रहे हैं कि माइकल कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों बोल रहा है भाई, शादी थोड़ी हुई है मेरी। चलो कोई नहीं गाइस, ये जो लोग हैं ये अपने निकल रहे हैं भाई साहब, पूरा चक्कर लगाने वाले लॉस सैंटोस का। अब लेस्टर गिर जाएगा। ओ भाई लेस्टर की तो चोटियाँ लगे भाई। चलो यार ये जो लोग हैं ये अपना जा चुके हैं, और साथ हेलीकॉप्टर भी है। और मैं गाइस इनका पीछे नहीं करने वाला क्योंकि भाई ये पूरी पुलिस की परेड है, इनको जाने देते हैं। अच्छी बात यह है कि लेस्टर को कुछ मालूम नहीं पड़ा है, और अपने जो दोस्त लेस्टर है वो मिलिट्री करने बल चुका है। लेकिन बताऊँ दिक्कत की बात कब आएगी? तब आएगी जब लेस्टर को ये पता चलेगा कि मैंने उसकी गाड़ी को चुराया। तो इससे पहले कि भाई लेस्टर को पता चले मेरे को लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा, ताकि लेस्टर भाई थोड़ा डर के रहे भाई मेरे से ना। तो मैं बता रहा हूँ लेस्टर भाई हैवी हो जाएगा माइकल के ऊपर। तो यार अभी मेरे पास क्रिमिनल की कॉल आई, और क्रिमिनल ये बोल रहा है कि माइकल पोर्टल चालू हो चुका है। और इससे ज़्यादा खुशखबरी वाली बात गाइस मेरे लिए कोई हो नहीं सकती है। पोर्टल रेडी हो चुका है, और आपको पता है कि जितने भी माइकल के दुश्मन है ना वो भाई लॉस एंडोस के अंदर आ चुके हैं। अभी तक फिलहाल के लिए यहाँ पर किसी ने अटैक तो नहीं किया है, लेकिन हमको जितने भी आए हैं ना ये इनको भाई पास्ट में वापस भेजना पड़ेगा। तो चलो भाई फिलहाल के लिए मैं गाड़ी को लेकर के जल्द से निकलने वाला हूँ सीधा चोर के पास। और लेकिन एक दिक्कत की बात आ चुकी है, अगर भाई यहाँ पर पोर्टल को हम वापस से मतलब जितने भी पास से बंदे आए हैं उनको वापस भेजेंगे तो क्रिमिनल भी तो वापस चला जाएगा यार। ये कैसे, ये तो गलत सीन हो जाएगा। और सामने की तरफ भाई पुलिस की गाड़ियाँ हैं, तो भाई मैं सामने से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। अपना यू टर्न मारते हैं या सामने से चलते हैं भाई, डरवर मार रहा है किसी का। चलो चलते हैं, देखते हैं भाई लेसर ये नमूना कहाँ पर पहुँचा है। और ये देखो भाई मैं साइड में से निकालूँ, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक रहेगा भी भाई इनके सामने से लेकर के जाना। चलो यार मैं जो है यू टर्न मार लूँगा। ओ भाई साहब लेसर की तो फोर्स ही अलग है भाई। लेसर तो भाई साहब भाई कितना बड़ा नेता बन चुका है ना लेसर। बाय बाय टाटा, गिर मत जाइए बस तू यार। और इसको टांग खराब देना है, ठीक करा लेगा इसने। चलो छोड़ो, सारे में पुलिस वाले खड़े हुए हैं। गाइस अब तो माइकल की लाइफ भाई पहले से नॉर्मल होने वाली है, नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा बेहतर। अब देखो यार जिस बंदे की हेल्प हम कर रहे थे, मतलब जिस बंदे के पास पोर्टल था, उसने मेरे से ये कहा था कि माइकल मेरे से प्रॉमिस कर कि तू मेरी मदद करेगा। और यार उसकी फैमिली को वो वापस लेकर के आना चाहता लॉस सैंटोस के अंदर वापस, पास्ट के साथ छेड़खानी करके। लेकिन मैं गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अगर ये बंदा ऐसा कुछ करता है मैं आपको दिखाता हूँ गाइस कौन बंदा। एक सेकंड, वो रहा भाई वहाँ पर चोर, और ये पोर्टल को यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं। मैंने चोर से पहले बोल दिया था कि चोर अगर पोर्टल ठीक होता है ना तो सबसे पहले मेरे पास कॉल करियो। देखो गाइस वो जो बंदा ना वो सामने की तरफ जो बीच में टकला सा है वही नमूना। यार उसने पोर्टल को चुरा तो लिया, और चोर भी वहीं पर ही, साथ के साथ वो चाइनीज लड़की भी। तो सबसे पहले मेरे को जो ना उसी बंदे का मत्था सुझाना पड़ेगा, क्योंकि वो भाई पोर्टल के साथ छेड़खानी करना चाहता है। चलो 3-2 एंड एक सेकेंड, ये लगा बस बंदे की खोपड़ी पे। चलो भाई बंदा जा चुका है, और
इनका भी गाइस यहाँ पर जो ना मुंह तोड़ने का टाइम आ चुका है। चलो चलो चलो, अबे ओए चोर मार मार जल्दी भाई साहब। ये जो लोग हैं ये भाई चोर के ऊपर अटैक कर चुके हैं, लेकिन चोर कोई दिक्कत की बात नहीं, तेरा भाई पीछे की तरफ ही है, सबको सुझा कर रख देगा। गाइस आज जो ना मैं सोच रहा हूँ अपनी असली गन क्यों ना निकाल ले जाए, और लो भाई काफी ज्यादा दूर से मार रहा हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा भाई गाइस यहाँ पर जो ना भूत बना करके रख देगा इनका। चलो चलो चलो, ए नमूने ये बंदा भी गया और ये बंदा फाइनल जा चुका है। चोर ने भाई देखो सारे बंदों को सुलटा करके रख दिया है, काफी बढ़िया बात हो चुकी है। ओ भाई चोर तेरा बहुत ज्यादा बड़ा थैंक यू यार कि तूने इस पोर्टल को दोबारा से चालू कर दिया है। कोई और भी है क्या? एक सेकंड जाओ, और ये पोर्टल को यहाँ पर क्यों लेके आ चुका है? ये रहा गाइस वो बंदा जिसने भाई हमसे एक डील रखी थी। अबे जाना बे बुड्ढे कहीं के। बाकी मेरे को दुख ये हो रहा है कि यार ये जो ये अपनी फैमिली को वापस से लेकर के आना चाहता था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार। अगर मैं इसकी इच्छा पूरी करता ना तो भाई पोर्टल के साथ दोबारा से छेड़खानी होती और जितने भी एनिमीज हमारे आ रखे हैं वो कभी भी वापस से नहीं जा पाते। चोर कहाँ पर है? तो यार यहाँ पर जो चोर है वो मेरे से बोल रहा है कि देख माइकल पोर्टल पूरा ठीक हो चुका है, लेकिन ये आप लोग गाइस जो तीन बटन देख पा रहे होगे ना, रेड ऑरेंज और ग्रीन, अगर इन तीनों बटनों को सेम टाइम पर दबाया जाए तो ये पोर्टल जितने भी यहाँ पर गड़बड़ी हुई है ना, जितने भी पास से बंदे यहाँ पर आए हैं वो वापस से अपनी दुनिया में वापस से जा सकते हैं, और ये पोर्टल तभी क्या तभी खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा नष्ट हो सकता है। अगर हमने ये काम किया, अगर मैंने तीनों के तीनों बटनों को एक साथ दबा दिया तो सीधी सी बात है क्रिमिनल भी वापस चला जाएगा। मेरे को दुख तो है यार कि देखो यार क्रिमिनल को वापस तो जाने पड़ेगा उसको यार, यहाँ पर वैसे भी वो पास्ट से यहाँ पर आया है और चोरी ये बोल रहा है कि माइकल कोई सोल्यूशन नहीं है यार, उसको हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। और वो चाइनीज लड़की कहाँ चली गई भाई? गाइज मेरे को लग रहा है वो जो ना गन की आवाज़ सुन के जा चुकी है। और एक सेकेंड उधर की तरफ जो ना कुछ रेड गाड़ी वाले बंदा है, मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है भाई साहब? चोर चोर जल्दी से छुप छुप छुप, यहाँ पर गाइस कुछ गैंग के बंदे आ चुके हैं। एक सेकंड गाइस यहाँ पर जो ये नमूने कौन है? अबे जान आंटी, अबे आंटी वंटी आ चुके हैं भाई। तो अबे ये भाई, अब मेरे को नहीं पता गाइस यहाँ पर ये कौन लोग मार रहे हैं। चोर बजा 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 सब में बजा, पता नहीं भाई कौन बंदे गाइस यहाँ पर आ चुके हैं। अबे यार एक डायरेक्ट ही खत्म करता हूँ भाई इनको, क्यों भाई अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। चलो निकलो यहाँ से, एक गोला ये ले और एक गोले ले। चलो भाई लोग तुम्हारे भाई ने यहाँ पर देख लो ब्लास्ट पे ब्लास्ट कर दिए हैं, मेरे पास एमओ भी कम है यार। चल 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 अबे जाना भाई यहाँ से। और एक ये रहा बंदा, तुमने किसने तुमको घूस दिया भाई मेरे को मारने की? चलो यार ये तो सारे के सारे जा चुके हैं, चोर ने काफी बढ़िया काम करा है। चल आंटी निकल यहाँ से, और चाचा जी आप भी निकलिए। भाई फालतू में बदमाशी गिरी दिखा रहे हैं, पता नहीं गाइस किसी को पता पता चल गया क्या इस पोर्टल के बारे में। मेरे को लग रहा है चोर हम बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मेरे को लग रहा है गाइस ये जो बटन है ये हमको जल्दी से दबाना पड़ेगा, लेकिन मैं क्रिमिनल से एक बार लास्ट टाइम बात करना चाहता हूँ। चलो यार यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कॉल करता हूँ क्रिमिनल के पास, लेकिन मेरे को जो गाइस अभी आवाज़ आ रही किसी की, ये बंदा कौन आया भाई और इसकी सिक्योरिटी में? ये तो मार्टिन मंद्रासो है भाई, ये यहाँ पर कैसे आ चुका गाइस? यार मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो गाइज अभी जो ना यहाँ पर मार्टिन मंद्रासो आ चुका है, इसको भाई हम एक साल पहले ही मार चुके हैं, लेकिन ये बंदा यहाँ पर क्या करने के लिए आया? मेरे को लग रहा है इसको पता चल चुका है इस पोर्टल के बारे में। बेटा देख अभी क्या, अभी यहाँ से चुपचाप निकल जा, अगर यहाँ पर मेरा दिमाग सनका ना तेरे को मारूँ और साथ के साथ तेरे टकले चेलों को मारूँ, समझ रहा है ना? ये ऐसा नहीं मानने वाला मेरे को लग रहा है, तेरे को क्या चाहिए बता। तो भाई अभी मार्टिन मंद्रासो मेरे से ये बोल रहा है कि माइकल अगर तूने ये तीनों बटन दबाए तो सोच लियो कि तेरी मौत यहीं कर दूंगा। और ये कौन है भाई? ये तो बिग माफिया है, बिग माफिया आ गया भाई यहाँ पर। ये सीन क्या चल रहा है यहाँ पर? ये सारे के सारे नमूने क्या करने के लिए आए हैं? तो यहाँ पर बिग माफिया का भाई मेरे से बोल रहा है कि देख माइकल अगर तूने वो बटन या कुछ भी छेड़खानी करी इस पोर्टल के अंदर तो सोच लियो कि तेरे ये जो दोस्त है ना, ये जो लेटा हुआ है, इसको मारूंगा और साथ के साथ गाइज इसने जो ना मेरी फैमिली के ऊपर, मतलब मेरे नए वाले घर के ऊपर भी अपनी सिक्योरिटी लगवा दी है। अबे भाई कल तक तो तू हमारा दोस्त हो, आज भाई तू माइकल की फैमिली को मारने पे तुल चुका है। गाइज अगर ऐसा कुछ होता है ना तो ये पोर्टल के थ्रू मैं दोबारा से कभी भी अपनी फैमिली को नहीं बचा पाऊंगा, तो ये जो भी करना है ना मेरे को सोच समझ के करना पड़ेगा। मंद्रासो भी यहाँ पर आ चुका और बिग माफिया का भाई भी, यार मैं बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत पड़ चुका हूँ। और अब ये लोग कौन आ रहे हैं भाई? गाइज यहाँ पर मेरे को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, हेलीकॉप्टर से भी कोई हम पे स्पाय करने में लग रहा है। मेरे को लग रहा है गाइज ये जरूर से या तो बिग माफिया की सिक्योरिटी आ रही होगी
या मार्टिन मंद्राजो की, ये जा किधर ही है? मेरे को पक्का पता है गाइस ये यहीं पर ही आएगी। मेरे को भाई पहले से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए थी। चोर यार तू पागल है क्या, इतने ओपन में इस पोर्टल को रखवाया है? गलती इस बंदे की, इस टकले की, पता नहीं कहां पर लेके आ चुका इस पोर्टल को। और वो देखो हेलीकॉप्टर्स भी ऊपर की तरफ आ चुके हैं। हो गया भाई काम, हो गया माइकल का यहाँ पर एंड है मेरे को लग रहा है गाइज। बताऊं क्यों? ये देखो जरा इस पर नजर मारो, एल रूबियो खुद यहाँ पर आ चुका है। और एल रूबियो बताओ मेरे से क्या बोल रहा है कि माइकल तूने मेरे को मरने के लिए छोड़ दिया था उस एयरक्राफ्ट के अंदर, तूने मेरे को नहीं बचाया। तेरे को पता था कि तू बचा सकता था मेरे को, लेकिन तब भी तूने नहीं बचाया। वो तो अच्छे टाइम पर इसकी बेटी और दुबई प्रिंस ने इसको बचाया, और ये बोल रहा है कि माइकल तू अब मरने वाला है। यहाँ पर एल रूबियो बिग माफिया का भाई, और साथ साथ मार्टिन मंद्राजो अपनी सारी सिक्योरिटी को लेकर के आ चुके हैं, तो हेलीकॉप्टर्स को लेकर गया। यार क्या किया जाए, मरने वाले हैं गाइस आज तो भाई साहब, मरने वाले हैं। और एक सेकंड रुक जाओ, ये नमूना कौन है भाई? गाइस यहाँ पर मेरे को नहीं समझ आ रहा ये चल क्या रहा है। और यहाँ पर ये तो भाई पूरा का पूरा रॉकेट लॉन्चर ही लेकर के आ गया। गाइस आज तो भाई साहब यहाँ पर माइकल का एंड होने वाला मेरे को लग रहा है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गलत चल रहा है। और ये देख रहे हो भाई, अबे मारियो मत भाई, मारियो मत। तो यार अभी फिलहाल के लिए मेरे को नहीं समझ आ रहा क्या करना चाहिए, लेकिन वो देखो भाई लॉर्ड खुद यहाँ पर आया भाई, वो भी माइकल को मारने के लिए। मेरे को नहीं पता था कि भाई लॉर्ड भी वापस आ चुका है। और अगर मैंने यहाँ पर भक्के भी तीनों के तीनों बटन दबा दी ना, तो ये भून डालेंगे भाई माइकल को सारे के सारे मिल करके। करूँ तो करूँ क्या भाई, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। माइकल के सबसे बड़े दुश्मन यहाँ पर आ चुके हैं, ओ भाई वो भी पास्ट से। यहाँ पर चोर भी मार जाएगा और साथ साथ माइकल भी, सारे बंदे यहीं पर ही खत्म हो सकते हैं। और मेरे को लग रहा है गाइस यही है माइकल का अंत। तुझे ट्रैवर ट्रैवर दबा दबा बटन दबा। ओ भाई साहब ये क्या सीन है, इस बंदे ने ट्रैवर को गोली गोली बजा दी। अबे ट्रैवर यार, यार यहाँ पर ट्रैवर मारा गया क्या गाइस? देखना पड़ेगा मेरे को, इस सिक्योरिटी गार्ड का मुंह तोड़ूंगा मैं। ये भाई मेरी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। बेटा तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमको मार नहीं सकता? अभी कभी मार सकता हूँ, लेकिन मंद्राजो भाई रुक जाओ। अबे एल रूबियो तू भी, एल रूबियो तू रहने दे भाई, तू तू क्यों मार रहा है मेरे को? तो मैंने क्या करा भाई, थोड़ी गलती तो होती। एल रूबियो रुक जा, एल रूबियो बेटा रुक जा, देख प्यार से बात कर रहा हूँ मैं तुम दोनों से। गाइस ये दोनों के दोनों बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं, वो तो अच्छा हो गया। गाइस यहाँ पर बिग माफिया का भाई अपना दोस्त है, दोस्त था भाई। ओ भाई, अबे भाई साहब, अबे क्या करो, अबे रुक जा रुक जा। गाइस ये देखो बेटा तुम मर जाओगे फालतू में। तो भाई यहाँ पर इन्होंने माइकल को इतना मारा बस मैं आपको बता नहीं सकता यार। और मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता हूँ, ये देख रहो भाई साहब। अबे मारे जा रहे हैं। बेटा रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ, तुमको तो मैं बताऊंगा यहाँ पर क्या बताऊंगा भाई, कुछ भी नहीं कर सकता। माइकल की फैमिली भी यहाँ पर मुसीबत में है, और ये आज लोग माइकल को जान से मार देंगे लग रहा है मेरे को। तो यार फिलहाल के लिए जितने बॉस है वो मेरे से बोल रहे हैं कि देख माइकल, अगर तेरे को प्यार से लॉस सैंटोस में रहना है तो चुपचाप इस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करवा दे, वो भी अपने दोस्त चोर से। अगर तू ऐसा नहीं करवाता है तो तेरे को मारेंगे, और तेरे चोर दोस्त को मारेंगे, और तेरी फैमिली को भी आज के आज खत्म कर देंगे। क्या किया जाए, मेरे पास गाइस कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरे को चोर से बोलना पड़ेगा कि चोर यार इस पोर्टल को तबाह कर दे और इनकी जान बख्श दे। तो यार अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये बंदा कौन है। हाँ भाई तेरी कमी थी, तू भी आ जा भाई यहाँ पर। और ये देखो यार, और एक सेकंड रुक जाओ, ये क्या सीन कर दिया, ये तो भाई साहब तो क्रिमिनल है यार। गाइस यहां पर क्रिमिनल आ गया था हमको बचाने के लिए। तो यार यहां पर जो बेचारा क्रिमिनल है वो देखो यार कैसे तड़प रहा है, मेरे दो दोस्तों को काफी ज्यादा चोटें आई हैं।
एक ट्रैवर को, और साथ साथ जो चोर है वो भाई बहुत ज़्यादा डर चुका है, और ये रहा क्रिमिनल। क्रिमिनल भाई पूरा एवेंजर हेलीकॉप्टर को लेकर के आ गया लेकिन इनकी आर्मी के सामने। तो भाई यहाँ पर जो माइकल है उसका अंत होने वाला है, क्योंकि जितने भी बॉस खड़े हैं ना, लॉर्ड खड़ा हुआ है, मार्टिन मद्राजो, एल रूबियो और साथ के साथ बिग माफिया, इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि ये लोग माइकल को मार देंगे। अगर मैंने 30 सेकंड के अंदर अंदर कुछ नहीं बोला तो मैं क्या बोलूं भाई। इनको गाइस यहाँ पर मेरे रखने का कोई मन नहीं है लॉस सैंटोस के अंदर, इससे अच्छा तो माइकल का एंड ही हो जाए। और ये लो गाइस, इस बंदे ने अपना काम कर दिया, यहाँ पर माइकल का भी किसने खेल ख़त्म कर दिया है। जैसे कि भाई ट्रैवर को मारा था, ऐसी भाई इसने माइकल का भी एंड कर दिया है। और यहाँ पर जीत हुई भाई इन चारों बॉसेस की। और ये जो लोग हैं ये अब अपना जश्न मनाने में लग रहे हैं। और ये क्या कर दिया क्रिमिनल, बटन दबा दिया। क्या क्रिमिनल ने बटन दबा दिया गाइस? मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल मर जा चुका है। तो गाइस पता नहीं क्यों लेकिन वेदर में अचानक से चेंजेस आ चुके हैं। और आप लोग ये देख रहे हो, अचानक से भाई यहाँ पर बिजली कड़कने लगी है, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। ओ भाई साहब पोर्टल में ये क्या चल रहा है यार? यार मेरे को लग रहा है पोर्टल में जरूर दोबारा से किसी ने छेड़ाखानी तो नहीं करी है, लेकिन यहाँ पता किए ले वो बटन तो नहीं दबा दिए ना। यहाँ पर एल रूबियो, ओ भाई बिग माफिया, साथ के साथ मार्टिन मंद्राजो, और तो और यहाँ पर जो लॉर्ड है मेरे को लग रहा है वो गाइज यहाँ से जा चुके हैं। तो भाई यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा हो चुका है, और जो क्रिमिनल है उसने भाई वो बटन को प्रेस कर दिया था। हम भाई क्रिमिनल को कभी भी नहीं भूल पाएंगे, क्रिमिनल हमेशा यार हमारी यादों में रहने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा अपना दोस्त था। गाइज मेरे को नहीं पता अब क्या आगे होने वाला है, माइकल की लाइफ पहले जैसी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, माइकल होश में आएगा नहीं आएगा। तो चलो गाइस आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस इतना, आई होप आपको अच्छी लगी, अच्छी लगे कर देना चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ उसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ गाइस मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरे डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड से हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ। और हाँ मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करना बिल्कुल भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और हाँ गाइस यहाँ पर मैंने एक नया चैनल ओपन किया है लेजी क्राफ्ट के नाम से, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जिसको भी भाई माइनक्राफ्ट की गेम प्लेस देखने हो तो फटाक से आ जाना देखो यार, और लाइव भी करने वाला हूँ गाइस जल्दी से मैं। और इंस्टाग्राम पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। आप काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई फेस रिवील या सेटअप टूर, तो मैंने वहाँ पर सेटअप टूर एक मतलब फोटो डाल दिया है, आप जरूर से जाकर देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want.